नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। अभी हम उपस्थित हैं नोएडा सेक्टर 51 के मेट्रो स्टेशन पर और हम यहां लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि नोएडा मेट्रो और दिल्ली मेट्रो कनेक्टेड नहीं है, इसकी वजह से लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कितनी परेशानियों को उठाना पड़ता है। और जो नया मेट्रो लाइन निकलने वाला है नोएडा का बोटेनिकल गार्डन से, जो सीधा कनेक्टेड होगा दिल्ली से, उसके बारे में लोगों की क्या राय है और उसके आ जाने से लोगों की यात्रा कितनी सुलभ हो जाएगी, यह जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल जी, ये बताइए, ये जो नोएडा लाइन है वो दिल्ली लाइन से कनेक्टेड नहीं है, इसके वजह से आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत तो यही है कि आपको पहले तो एग्जिट करना पड़ता है और एग्जिट करने के बाद फिर आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। और अगर मतलब मैं तो कर भी लूँगा, जैसे मेरी मम्मी मेरे साथ है तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है कि आप वहाँ से निकल जाना और उसके बाद फिर वहाँ से रिक्शा ले लेना, रिक्शा लेने के बाद फिर से एंट्री करना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। सर, आपने मेट्रो में बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहे होंगे आप, तो आपको क्या क्या लगता है कि ये दिक्कतें हैं मेट्रो में, ये चेंज होनी चाहिए? मेट्रो में दिक्कत तो वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेट्रो ने तो सोल्यूशन दिया है ट्रैफिक का, क्योंकि आप अगर गाड़ी से निकलते हैं तो मेट्रो उसके आधे टाइम में आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। पर अगर मैं कुछ चीज़ फीडबैक बोलूँ तो मैं यही बोल सकता हूँ कि सिक्योरिटी लाइन में कभी बार टाइम लग जाता है तो आप थोड़े ज़्यादा स्कैनर लगा लेंगे तो जो भीड़ भाड़ वाले स्टेशन है वहाँ पर आपका जल्दी आप एंट्री कर लोगे। और तो बाकी मेट्रो तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमने देखा कि रेल जो है भारतीय रेल, उससे बहुत ज़्यादा साफ है मेट्रो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब तो भारतीय रेल को भी सीखना चाहिए मेट्रो के प्रशासन से कि वो कैसे इसको पूरा साफ रखते हैं। मुझे नंबर तो नहीं पता पर शायद काफ़ी सारे लोग, काफ़ी लाख लोग एक दिन में ट्रैवल करते हैं और उसके बाद भी इतने अच्छे से साफ रखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और पूरे भारत को सीखना चाहिए। बहुत। आपका नाम क्या है? ये बताइए सर कि ये जो नोएडा सेक्टर 51 की मेट्रो लाइन है वो सेक्टर 52 से कनेक्टेड नहीं है, इसकी वजह से लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कतें देखिए काफ़ी होती है इससे ना, आने जाने में और काफ़ी चेंज करने में, फिर यहाँ पे भीड़ काफ़ी हो जाती है 51 पे बाहर निकलने के लिए। फिर अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि मतलब जो है एक और लाइन कनेक्ट हो गई है तो चेंजिंग पॉइंट इसी तरीके से रहेगा, कोई ओवर ब्रिज नहीं है, ऊपर ऊपर से ओवर ब्रिज भी निकाला जा सकता है तो सोल्यूशन गवर्नमेंट चाहती तो कर सकती थी, लेकिन अभी कुछ ऐसा समस्या का थोड़ा सामना करना पड़ा, अभी मुझे भी अर्जेंसी है जाने के लिए, लेकिन मेरे को पहले दौड़ दौड़ के जाना पड़ रहा है तो ये दिक्कतें तो हैं और थोड़ा सा भीड़ भाड़ का ज़्यादा है। सर, ये बताइए, ये जो जेवर मेट्रो वाली, जो जेवर वाली लाइन आने वाली है वो अगर कनेक्ट हो जाती है तो लोगों को कितनी आसानी होगी ट्रैवल करने में? थोड़ी बहुत आसानी होगी, लेकिन अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो उस साइड पर थोड़ा सा भी डेंसिटी कम है और एक्सप्रेस भी इतना बढ़िया बना हुआ है तो पहले जो प्रायोरिटी होनी थी एक्सटेंशन वाली को थोड़ा सा, लोग ज़्यादा इधर मूव करते हैं इसीलिए यहाँ पे भीड़ ज़्यादा लगती है, अगर हम एक्सटेंशन वाली का ज़्यादा जल्दी अगर गवर्नमेंट काम करते तो ज़्यादा बेटर। आपका नाम क्या है? गगन। गगन जी, ये बताइए, नोएडा की मेट्रो लाइन दिल्ली मेट्रो से कनेक्टेड नहीं है, इसकी वजह से आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? टाइम लगता है, इधर भीड़ होती है, फिर उधर जाना भीड़ लगता है, टाइम लगता है, इमरजेंसी होती है, लेट होता है, डायरेक्ट हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी। अगर ये लाइन कनेक्ट हो जाए तो लोगों की यात्रा सुलभ हो जाएगी और इजी हो जाएगी, तो टाइम बच जाएगा। जो एक नई मेट्रो लाइन निकलने वाली है बोटेनिकल गार्डन से जो जाएगी दिल्ली और वही कनेक्ट होगी पीछे जेवर तक, तो उसके आ जाने से कुछ यात्रा सुलभ होगी लोगों की? बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगा थोड़ा सा, तो जाने के लिए वैसे दिक्कत होती है इतना, तो इधर से जाओ उधर जाओ, उधर भीड़ है, डायरेक्ट हो जाएगा तो बहुत सही हो जाएगा लोगों के लिए भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गाड़ी है। ये बताइए, ये जो नोएडा लाइन है वो दिल्ली लाइन से कनेक्टेड नहीं है, इसकी वजह से आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो रेल लाइन चेंज करनी पड़ती है, इसकी वजह से दिक्कतें दिक्कतें होती है, बहुत से लोग ऐसे ज़्यादा जल्दी होती है उनको कुछ और कुछ इमरजेंसी काम के लिए जिससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको मेट्रो में यात्रा के दौरान क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती है और क्या क्या आपको लगता है कि ये दिक्कतें हैं ये बदलनी चाहिए? सुविधा तो सारी है, ये पूरे दिल्ली को कनेक्ट करती है, ऐसे वैसे ट्रैफिक का बहुत खत्म हुआ है, परेशानी बस यही है कनेक्टिविटी सिस्टम कि अगर ये लाइन कनेक्ट हो जाए तो बहुत सुलभ हो जाएगी यात्रा। ये अगर ये लाइन कनेक्ट हो जाती है तो इससे आगे जो नोएडा दिल्ली से नोएडा कनेक्ट होता है उसके लिए दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है? शिवा। शिवा, शिवा जी, ये बताइए कि ये जो नोएडा मेट्रो लाइन है वो दिल्ली मेट्रो से कनेक्टेड नहीं है, इसकी वजह से लोगों को कितनी परेशानी होती है? सर, प्रॉब्लम तो बहुत होती है कि पहले आपको चेंज करना पड़ता है, फिर आपको ट्रैवल करके पैदल चल के थोड़ा यहाँ तक आना पड़ता है, अभी ये चीज़ अगर लाइन कनेक्ट हो जाए फिर पॉइंट टू पॉइंट आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद अभी थोड़ा काम भी रुका हुआ है बीच में, अगर वो भी कम्प्लीट हो जाता तो फिर और चीज़ें कनेक्ट हो जाती इसमें,
हाईवे वगैरह भी हो जाते हैं, और फिर मेट्रो दूसरी लाइन से कनेक्ट होती तो और इजी हो जाता उसमें। ये देखिए, जो नोएडा मेट्रो का विस्तार कार्य है वो पूरी तेजी से चल रहा है। जब वो कार्य पूरा हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि यात्रियों की यात्रा कितनी सुलभ हो जाएगी? कनेक्टिविटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही मतलब लोगों को इजी हो जाएगा काम को लेकर, और टाइम कंजप्शन बहुत इजी हो जाएगा। अगर ये जितने भी पेंडिंग वर्क है सारे कंप्लीट हो जाते हैं फटाफट, तो लोगों को जेवर एयरपोर्ट से भी कनेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद बोटानिकल से अगर ये दिल्ली मेट्रो भी कनेक्ट होती है तो इससे भी काफी इजी हो जाएगा। बहुत बहुत आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम श्रीधर सिंह। सर ये बताइए, जो नोएडा मेट्रो का विस्तार कार्य चल रहा है, जब वो पूरा हो जाएगा तो यात्रियों की यात्रा कितनी सुलभ हो जाएगी, आपको क्या लगता है? सर मेरे को तो लगता है कि नोएडा में तो काफी देखो, अगर रोड बाई चलेंगे तो इतनी सारी ट्रैफिक होती है और ज्यादा टाइम ऑफिस के टाइम पे ज्यादा ट्रैफिक होती है। जब नोएडा का ये मेट्रो पूरा लाइन हो जाएगा तो काफी सुविधाएं होंगी लोगों को आने जाने में, क्योंकि लोग ज्यादातर 40% तो मेट्रो के ही सेवा करते हैं। सर ये जो डीएमआरसी वाली लाइन है वो एनएमआरसी से कनेक्टेड नहीं है, तो लोगों को यहाँ उतरकर पैदल चलकर जाना पड़ता है और वहां से फिर मेट्रो पकड़नी पड़ती है, तो यात्रियों को कितनी दिक्कत होती है? सर वैसे देखा जाए दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा फासला पड़ता है तो सुविधा भी कर रखी है कि जो फ्री सेवा है ऑटो रिक्शा जो ई रिक्शा होता है वो चलता है वो ले लें। और मुझे लगता है 2 मिनट का रास्ता है, अगर इंसान इतने दूर से आएगा 2 मिनट में चलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि असुविधा होनी चाहिए लोगों को, लेकिन एक नज़रिए से देखा जाए कि असुविधा ही है, कनेक्टिंग होना चाहिए। सर हमने देखा है कि जो भारतीय रेल है वो बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, वहाँ पे प्लेटफॉर्मों पर सफाई नहीं रहती है, और वहीं कंपैरिजन में अगर मेट्रो का देखा जाए तो वो बहुत साफ रहती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर यह है कि अब जो रेलवे है वो काफ़ी लॉन्ग रूट चलती है, तो उसमें क्या आदमी कोई 12 घंटे कोई 24 घंटा सफ़र कर रहा तो ज़्यादातर वो अपना घर ही समझ लेता उसको, और ये इसमें ज़्यादातर आदमी करेगा ट्रेवल मेट्रो में तो 1 घंटा 1.5 घंटा इससे ज़्यादा नहीं कर पाया, तो इस वजह से लोग थोड़ा। आपका नाम क्या है? जीवांश। आपका नाम? ये बताइए, ये जो नोएडा मेट्रो की लाइन है वो दिल्ली मेट्रो से कनेक्टेड नहीं है, इसकी वजह से यात्रियों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहली दिक्कत ये है, सुबह ठंड में लोगों को इतनी दूर से आना पड़ता है, यहाँ चलने में आधे लोग गिरते पड़ते रहते हैं, लोग लड़ाई करते हैं, वह बुजुर्गों को चढ़ने नहीं देते बल्कि जवान लोग लड़ रहे होते हैं, लाइन बहुत लंबी लगी रहती है यहाँ पे, जल्दबाजी में जाते हुए चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी चलने के चक्कर में आ जाते हैं, रुकता नहीं है। ये बताइए, जो नोएडा मेट्रो का विस्तार कार्य चल रहा है वो जब पूरा हो जाएगा तो यात्रा कितनी सुलभ हो जाएगी यात्रियों को, क्या लगता है आपको? सबसे पहले बोटैनिकल एक बहुत बड़ा इंटरचेंज है, तो अगर वहाँ कनेक्शन होगा तो बहुत से लोगों को सुविधा होगी, बस सर्विस परिचौक से बोटैनिकल बहुत ज्यादा चलती है तो वहाँ बहुत ज्यादा सुविधा होगी। आप क्या कहना चाहिए? हमने देखा है कि जो भारतीय रेल है वो बहुत गंदी रहती है, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो दिल्ली मेट्रो वो बहुत साफ है और नोएडा मेट्रो भी बहुत साफ है, तो इसमें क्या चेंज करना चाहिए रेलवे को मेट्रो को देखते हुए? देखिए ये रेलवे के ऊपर नहीं है, लोगों के ऊपर है, अगर लोग सही रखेंगे तो रेल भी साफ रहेगी। बहुत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलावर अब्बास। ये बताइए अंकल जी, ये जो एनएमआरसी वाली लाइन है वो डीएमआरसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी वजह से लोगों को पैसेंजर्स को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मैं डेली पैसेंजर हूँ, दिल्ली से आता हूँ और यहाँ पर चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर बारिशों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लगभग आधा किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ता है, रास्ता बहुत ख़राब है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया इस तरफ के भाई इसको कनेक्ट किया जाए, क्योंकि दिल्ली में सारी लाइनें कनेक्ट हैं लेकिन ये वाली लाइन कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। और उसमें अब जो पार्किंग है सेक्टर 72 की तरफ है, उसको पार्किंग करने के लिए पूरा क्रॉस करने के बाद ही पार्किंग मिलती है, तो लिहाजा इस तरीके से तो ये कनेक्ट नहीं है, बहुत परेशानी होती है खासतौर पर बारिश के दिनों में। सर ये बताइए, ये जो नोएडा मेट्रो का विस्तार कार्य चल रहा है वो जब पूरा हो जाएगा तो यात्रियों की यात्रा कितनी सुलभ हो जाएगी, आपको क्या लगता है? हाँ उससे तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से नोएडा एक्सटेंशन जाने के लिए लोगों को यहाँ पर जो है शेयरिंग ऑटो में जाना पड़ता है, उससे काफ़ी परेशानी होती है खासतौर पर लेडीज़ के लिए, तो एक ऑटो में 4-4, 5-5 बैठाते हैं, लेकिन जब विस्तार हो जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसके बारे में। और अगर 142 की तरफ भी विस्तार होगा तो काफ़ी फर्क पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग नोएडा एक्सटेंशन की तरफ ही जाते हैं। आपका नाम क्या है? शिवम।
शिवम जी, ये बताइए कि आपने मेट्रो में इतनी यात्रा करी है, आपको मेट्रो की यात्रा कितनी सुलभ लगती है बाकी ट्रांसपोर्ट से? एक्चुअली वैसे तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट यही लगती है, बट कभी कभार लाइन चेंज करने में, जैसे इसे ही ले लीजिए आप, इसमें जैसे हमें पैदल जाना पड़ता है तो कभी कभार टाइमिंग मैच नहीं हो पाती और हमारी मेट्रो मिस हो जाती है या लेट हो जाती है। बस बाकी तो सफाई के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है ये सब, एंड रूट के हिसाब से भी, बिकॉज अगर हम लोकली जाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है रूट याद करने में, ऐसा नहीं होता काफ़ी। अब इस रूट में ट्रैवल करते हैं तो आपने, आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, यहाँ पे 51 पे उतर के 52 पे जाकर चेंज करना पड़ता होगा अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि या तो अंदर ही अंदर कुछ रूट बना दें या कनेक्ट कर लें, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं इनका कुछ फ़ायदा नहीं है, पैदल ही जाना पड़ जाता है क्योंकि लोग आ नहीं पाते, या तो ये रिक्शाज का काउंट बढ़ा दीजिए, अभी बहुत ज़्यादा कम है और हर 2 सेकंड में घुट जाती है, बहुत सारे लोग हैं जो जा नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी बात करने के लिए। थैंक यू।